इस प्रोग्राम के लिए पहले हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, उसके बाद अगले लाइन की ओर जाएंगे और लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, फिर अगले लाइन में जाकर लिखेंगे void main फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर अगले लाइन में जाकर सेकंड ब्रैकेट डालेंगे, फिर लिखेंगे clrscr फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अभी हमें यहाँ पे चार इंटीजर लिखने हैं, लेकिन हमें तो इंटीजर के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए हम ए बी सी डी को इंटीजर मानेंगे और सेमीकोलन डालकर अगले लाइन में जाकर लिखेंगे फ्लोट ई। यहाँ हम फ्लोट का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई हो जाएगा आउटपुट। अभी लिखकर अगले लाइन में जाकर लिखेंगे प्रिंट एफ और फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एंटर द वैल्यू, फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डालेंगे और फिर अगले लाइन की ओर जाएंगे और लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ लिखकर हमें चार बार परसेंटेज डी लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने चार इंटीजर को लिया है, चार इंटीजर लिए थे हमने, इसीलिए परसेंटेज डी को चार बार लिखेंगे, फिर कोमा देकर एंड ए कोमा एंड बी कोमा एंड सी कोमा एंड डी लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन डालेंगे और अगले लाइन की ओर जाएंगे। अगले लाइन की ओर जाकर हम लिखेंगे ई। ई जो है ये हमारा आउटपुट है, ई इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर चारों नंबरों को आपस में जोड़ने पड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और फिर इसे डिवाइड करेंगे चार से, फिर अगले लाइन की ओर जाएंगे और प्रिंट एफ लिखकर इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे परसेंटेज एफ इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके ई डालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डालेंगे और फिर अगले लाइन में जाकर लिखेंगे जी ई टी सी एच लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।